Subscribe my YouTube channel Technical World's King. मैं हूं आपका अपना दोस्त किशन जीराज और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड्स किंग। दोस्तों अगर आप जो है Realme का या फिर जो है Oppo का अगर फ़ोन यूज करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो में आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको जो है कोई भी हिस्सा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग जो है चलेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जो है चलने के बाद में हम लोग एक ऑप्शन खोजेंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्फ्रेंस टूल। कॉन्फ्रेंस टूल पे जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो यहाँ पहला ऑप्शन और जो पहला फीचर जो देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा आप लोगों को, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड टू बैकअप गूगल असिस्टेंट। यानी कि अगर आप लोग अपने फ़ोन का जो है पावर बटन अगर 0.5 सेकंड के लिए अगर दबा करके रखते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे मैं जो है इस ऑप्शन को इनेबल करके रखता हूँ। अगर ये ऑप्शन अगर आप लोग इनेबल करके रखेंगे तभी आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे रहेगा, उसके बाद में आप लोगों को सिंपली इससे इस तरह से जो है क्लिक करके ऐसे कर लेना है, ग्रीन हो जाएगा ये। उसके बाद में मैं अपने फ़ोन का जो है पावर बटन दबा के रखता हूँ 0.5 सेकेंड, देखिए क्या होता है। इस तरह से दबा के रखने के बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने जो है गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया, आप लोगों को जो है दिखाने के लिए जो है केवल किया था। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग जो है उस नेविगेशन बटन के ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा जो है आप लोगों को जो है इंटरफेस दिखाई देगा, उसके अंदर इतने सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आइए हम जो है एक एक ऑप्शन का जो है एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के सामने, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नीचे यहाँ पे जो है टैब का मिल जाता है, यहाँ पे होम का मिल जाता है, या फिर यहाँ पे जो है बैक का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तीनों बटन आप लोग देख रहे हैं, तो जैसा कि अभी जो है यहाँ पे तीनों बटन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रीन है इसीलिए यहाँ पे तीनों बटन दिखाई दे रहा है। पहले जो है लेफ्ट साइड में हमारा बैक है और बॉटम मिडिल साइड में जो है मिडल में यानी कि बीच में मध्य में जो है होम का है, उसके बाद में फिर टैब का है लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से मैंने सेट किया है और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो वो सेम उल्टा हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में आपको टैब बटन मिल जाएगा और बीच में आपको जो है होम बटन मिल जाएगा और फिर लेफ्ट साइड में आपको बैक बटन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है बटन को जो है आगे पीछे या फिर दाएं बाएं जो है इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वर्चुअल की कैन बी हाइडन, यानी कि वर्चुअल की, अभी हम बताते हैं दोस्तों वर्चुअल की क्या होता है। वर्चुअल की का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक कर देंगे तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे तीनों बटन दिखाई दे रहा है, टैब बटन, होम बटन और फिर बैक बटन, तो ये बटन आप लोगों को स्क्रीन पर आपके दिखाई नहीं देगा और सेम इसी जगह पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो वो सेम वैसे ही वर्क करेगा लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। दोस्तों इस पर जो है हम क्लिक करके आप लोगों को दिखा देते हैं, तो इस पे जो है मैंने जो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद भी जस्ट जैसे मैं बैक करूँगा तो ऐसे ये बटन तुरंत जो है मिट जाएगा दोस्तों, हाइड हो जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसको जो है इनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों तीन जो है ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है स्विप गेस्चर फ्राम बूथ, यानी कि जो है यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है बटन का वो आप लोगों के सामने नहीं दिखाई देगा और यहाँ से आप लोग जो है बैक का बटन जो है दूसरी तरह से पाएंगे, साइड से पा जाएंगे। दोस्तों तो किस तरह से पाएंगे देखिए मैं दिखा देता हूँ। जब मैं अपने जो है राइट लेफ्ट साइड में जो है उंगली रख करके खींच रहा हूँ राइट साइड की तरफ, तो देखिए जो है साइड से कुछ निकल रहा है ब्लैक कलर का एक बटन, तो ये बैक करने के लिए, जैसे मैंने करके छोड़ दिया फिर जो है दोबारा मैं किया और करके छोड़ दिया, देखिए दोस्तों तो इस तरह से बैक होता जा रहा है। तो इस ऑप्शन का यूज जो है हम इसके लिए करेंगे बैक बटन के लिए, ये नेविगेशन बटन होता है दोस्तों। तो इसका जो है यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे। उसके बाद में वर्चुअल की है, वर्चुअल की क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल की यही होता है जो आप लोगों को मैंने इसको दिखाया। तो स्विफ्ट गेस्चर से बेटर जो है दोस्तों हमको लगता है वर्चुअल की, तो आप लोगों को जो कि अच्छा लगता है वो कि जो है आप अपने मनपसंद जो है इसको रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को फाइनली यहाँ मिल जाता है मोर का ऑप्शन, मोर वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे स्विप ऐप गेस्चर, उसके बाद में टू बटन नेविगेशन। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो बटन जो है नेविगेशन में यहाँ दिखाई देंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक होम का दिखाई देगा दूसरा बैक का दिखाई देगा, बाकी टैब का बटन नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग कौन सा जो है बटन किस तरह से शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सेम वही जो है ऑप्शन मिल जाता है शो एंड हाइड बटन, यहाँ पर जो है फिर मिल जाता है आप लोगों को जो है बटन छुपाने के लिए या फिर बटन दिखाने के लिए। अगर आपको
छुपाना है तो इस पे जो है आप लोग क्लिक करेंगे और ये ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद में आपकी बटन हाइड हो जाएगी ये ऑप्शन बैक करने के बाद में। तो दोस्तों हमें हाइड नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं आप अपने मन मुताबिक इसको कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए दोस्तों हम लोग बैक चलते हैं। बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है और बैक आएंगे, यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने जाना नेविगेशन बटन्स के बारे में, अब हम लोग जानेंगे असिस्टिव बाल के बारे में। असिस्टिव बाल क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आईफोन में या फिर जो है एप्पल के जो डिवाइसेस होती हैं, एप्पल के जो टैबलेट होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसमें जो है असिस्टिव बाल का ऑप्शन होता है। असिस्टिव बाल का ऑप्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, ये है असिस्टिव बाल का ऑप्शन। इस पर हम लोग जो क्लिक करेंगे उसके बाद में ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के साथ हमारे सामने जो है इस तरह जो है बाल का एक चिन्ह आएगा। ये बाल का चिन्ह जो है क्या करेगा दोस्तों, इस पर जो है हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये बैक हो जाएगा। उसके बाद में फिर इस पर क्लिक करेंगे फिर ये बैक हो जाएगा, यानी कि सेम ये जो है उसी तरह नेविगेशन बटन की तरह काम करता है, बैक का फिर या फिर कट का या फिर टैब का। इसको अगर हम लोग दबा के रखें तो ये टैब हो जाएगा, या फिर दबा करके छोड़ देंगे तो ये हमको टैब वाले ऑप्शन फिर लेकर के चले जाएगा, या फिर जो है एक बार अगर क्लिक करके छोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमको बैक वाले ऑप्शन पर लेकर जाएगा। यानी कि तीनों बटन्स जो है इसी जो है असिस्टिव बाल वाले ऑप्शन से ही वर्क करेगा दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है गेस्चर ऑपरेशन का। गेस्चर ऑपरेशन पे इस पर अगर आप लोग टॉप मेनू पे करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है मेनू दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे जो क्लिक कर दिया, यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो जो हम बाल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, मेनू दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी जो है अच्छा ऑप्शन है, अगर चाहें तो आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा फिर ना यूज करें, जैसा आपकी मर्जी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है इसको जो है बाल को छोटा और बड़ा करने के लिए, तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ कर सकते हैं, या जो है हाइट या डार्क या लाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं इसको घटा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो जो है ये बाल जो है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है तो ये डार्क होता है या फिर लाइट होता है। देखिए ये लाइट हो गया, उसके बाद ये देखिए डार्क हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको डार्क या फिर लाइट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मिल जाएगा हाइट बाल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन। जब आपकी फुल स्क्रीन जो है चालू होगी या कोई जो है आप अपना एप्लीकेशन यूज करेंगे फुल स्क्रीन वाला, तो ये जो है बाल ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा अगर ये ऑप्शन आप लोग इनेबल करके रखते हैं। तो आप जो है किस तरह से इसको जो है मैनेज करना चाहते हैं आप अपने अनुसार खुद इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद दोस्तों मैं असिस्टिव बाल को जो है ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज करना नहीं चाहता। आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, मैंने आप इसको अगर चाहें तो हॉरिजॉन्टल मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में, जिस मोड में चाहें उस मोड में जो है यूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट स्लाइडर का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग जो है यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं, ये स्लाइडर है दोस्तों, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ ला करके छोड़ देता हूँ। अब इस पर जो है मैं हाथ रख करके खींचूँगा ऐसे, तो यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये उस एप्लीकेशन का शॉर्टकट या उस एप्लीकेशन को आप ऐड करके रख सकते हैं जो कि आप लोग जो है सबसे ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो है रियलमी ओप्पो के अंदर दोस्तों। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई भी ऑप्शन या कोई भी एप्लीकेशन दूसरा यूज कर रहे हैं और आपको यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर जो है क्रोम या फिर कोई भी ऑप्शन या कोई भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है, तो ये जो है स्मार्ट स्लाइडर में ऐड करके आप लोग शॉर्टकट में उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको जो है इनेबल कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है आ जाता है यूज द स्लाइड बार ओनली इन लैंडस्केप मोड। उसके बाद में अगर आप लोग जो है लैंडस्केप मोड में अगर यूज करना चाहते हैं तो इसमें इनेबल करेंगे तो जब आप अपना मोबाइल घुमाएंगे तभी ये वर्क करेगा, अन्यथा वर्क नहीं करेगा दोस्तों। और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड बार, अगर आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो मैं इनेबल करके रखता हूँ इसलिए मैं इस पर क्लिक किया हूँ दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बैक पे। बैक बटन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है हमको गेस्चर एंड मोशन पे। गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन जो है स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स है, इससे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग के सामने कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है हम अच्छे से आप लोगों को बताएंगे, आप लोग जो है वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन जो है यहाँ से इनेबल होगा। यहाँ से जैसे मैं उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से था, यानी कि स्क्रीन गेस्चर जो है ऑफ था, तो मैंने इस पे जो है क्लिक किया ऑन करने के लिए। यहाँ पे जब ऑन हुआ तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारे जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन हमको मिल जाता है डबल टैप
टू टर्न स्क्रीन ऑन, यानी कि जब भी आपका डिस्प्ले जो है ऑफ रहेगा और उससे डबल टैप करेंगे स्क्रीन पे अपने, तो ये जो है वेकअप हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन जल उठेगी दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है ड्रॉ ए ओ इनेबल कैमरा। यहाँ पे अगर आप लोग अपने, अगर आपकी स्क्रीन जो है ऑफ है तब भी आप अगर अपने स्क्रीन पे ओ लेटर अगर मतलब बनाते हैं उंगली से घुमा करके, तो आपका जो है कैमरा ऑन हो जाता है। या फिर लिखा है आपका ड्रॉ ए बी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आपको फ्लैश लाइट जलाना है तो, और आपकी स्क्रीन अगर ऑफ है बंद है, तो आप जो है अगर वी बना देंगे उंगली से अपने, उस पर वी आकार का अगर घुमा देंगे उंगली, तो आपका जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है रियल मी के अंदर। उसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल या फिर जो है म्यूजिक को चालू करना या फिर म्यूजिक को बंद करना दोस्तों, तो आपको जो है ऊपर से रख करके, यहाँ ऊपर नोज से रख करके और दो उंगली आपको यहाँ नीचे की तरफ ऐसे खींचना, उसके बाद में आपका म्यूजिक चालू हो जाएगा या फिर चालू है तो बंद हो जाएगा। अगर इतने सारे ऑप्शन को अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो सभी को जो है इनेबल करके रखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिंपली मिल जाता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर। स्क्रीन ऑफ गेस्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कई सारे जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है ड्रॉ इस तरह का बनाने के लिए ऊपर की तरफ जो इसका मार्क करके बनाया गया है, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद में स्लाइड अप, यानी कि ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो क्या होगा, या फिर डाउन नीचे की तरफ खिसकाएंगे तो क्या होगा, और लेफ्ट राइट की तरफ खिसकाएंगे तो क्या होगा, या फिर जो है ड्रा डब्लू, तो ड्रा डब्लू पे हम लोग क्लिक करते हैं। ड्रा डब्लू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, अभी ये लाइट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को जो है इनेबल करके रखा है, इसलिए ये लाइट दिख रहा है, नहीं तो ये हाईलाइट दिखता आप लोगों को। यहाँ पे मैंने जो है अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए नियम बनाया हुआ दोस्तों। अगर आपका जो है फ़ोन आपका डिस्प्ले अगर बंद है और तब भी अगर आप लोग जो है अपने फ़ोन पे अगर डब्लू ड्रा करते हैं तो ये जो है आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा या जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो है ड्रा एम अनलॉक, यानी कि जब भी मैं अपने स्क्रीन पे जो है एम जो है ड्रा करूँगा अपनी उंगली से, तब भी जो है हमारा लॉक जो है स्क्रीन लॉक हमारा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसके अंदर, आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है ऑटो कॉल व्हेन प्लेसिंग फ़ोन टू ईयर, यानी कि अगर आप लोग जो है अपने फ़ोन को अपने अगर कान के पास अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका जो है फ़ोन जो है ऑटो कॉल पे चला जाएगा, यानी कि अपना ऑटोमेटिकली जो है आपका कॉल जो आपके जो है किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को अगर कॉल आता है और अगर आप जेब से निकाल करके तुरंत अपने कान में अगर लगा लेते हैं अपना फ़ोन, तो वो तुरंत जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है फ़ोन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आ जाता है ऑटो आंसर व्हेन फ़ोन इज नियर, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अपने कान के पास केवल लेके जाएंगे, एकदम आपको अपने सर के पास जो है एकदम चिपका नहीं देना है, यानी कि अपने कान के पास एकदम नहीं लगाना है, थोड़ी ही दूर रखेंगे तैसे ही आपका जो है तुरंत फ़ोन आपका रिसीव हो जाएगा दोस्तों। तो इस वाले ऑप्शन का मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसको इनेबल करके रखा हूँ। अगर आप लोगों को जो है इसमें से जितने ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। इनेबल करने के बाद में ये ग्रीन हो जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है मोड स्विच ड्यूरिंग कॉल, यानी कि आप लोग अगर कोई कॉल आती है या उसको मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा जो है कॉल करता है तो इस वाले अगर ऑप्शन को क्लिक करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉल रिसीव हो जाएगा, और अगर आप कॉन्फ्रेंस बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके पास जो है दोनों में कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन है, इसका यूज जो है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके अंदर फ्लिप टू म्यूट इनकम कॉल्स, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन जो है अगर शेक करते हैं यानी कि घुमाते हैं या फिर इधर उधर करते हैं और अगर कॉल आती है तो आपका जो है रिंग बनना बंद हो जाएगा दोस्तों, म्यूट हो जाएगा आपका कॉल। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसका अगर आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको आ जाता है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपने स्क्रीन को जो है रेज करते हैं यानी कि घिसते हैं तब भी जो है आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। जैसे आपकी स्क्रीन जो ऑफ है अगर आप उंगली भी इस पर घिसते हैं तो आपकी जो है स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने इस ऑप्शन को जो है यूज करके ऑन करके रखा, इनेबल करके रखा। उसके बाद में दोस्तों आपको मिल जाता है थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है दोस्तों तो आप लोग जो है
आपने स्क्रीन पे जो है तीन उंगलियां रखेंगे, तीन उंगलियां रखने के बाद में एक साथ यहाँ से लेकर के ऐसे नीचे तरफ खींचेंगे, उसके बाद में आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और आपके फ़ोन की गैलरी में जो है आसानी से जाकर के सेव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जितने भी जो ऑप्शन थे कॉन्फिडेंस टूल में उतने भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और जो ऑप्शन ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जो है आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।